हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो टाइम हो रहा है 11:30, और जैसे मैंने कहा था कि हम निकल गए हैं अपने ससुराल के लिए। तो 9 बजे निकले थे, मतलब 8 बजे घर से निकल गए थे, 9 बजे गाड़ी से निकल गए थे। तो अभी पहुंच गए हैं, आधा रास्ता ही समझ लो, आधे रास्ते में पहुँच गए हैं। आधे रास्ते मतलब अभी यहाँ से होगा 3 घंटे का रास्ता होगा अभी यहाँ से। तो हमने तो बाहर बैठा, हम तो नहीं उतरे, खाते तो हम कुछ है नहीं सफ़र में, जैसा आपको बताया पता ही है, क्योंकि फिर ये होता ना वॉमिटिंग होगी होगा कुछ, इसलिए सफ़र में कुछ नहीं खाते। यार आगे बैठा है हनुमान में पीछे, उतर जाओ बेटा थोड़ी देर, हवा खा लो बाहर, जब वहाँ पे हवा आई। तो यहाँ पे बच्चों ने जिद करी तो फिर बाहर थोड़ा निकल ही गए थे, और बच्चों ने लिया था, मतलब हनु ने लिया था सिर्फ कोल्ड ड्रिंक, वो मानता नहीं कहीं जाएगा तो लेना ही लेना है। यहाँ लेगा तो नीचे पीना पड़ेगा, नीचे लेगा तो नीचे पीना पड़ेगा, तो यहाँ पीला फ्रेंड। 2:30 बज गए हैं और हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश। तो बच्चों को भूख लगी है, बच्चों को कुछ खाना है, हाँ, तो पापा आ गए हैं उनके, हमारे हमें ले लें। तो बच्चों को भूख लगी है तो बच्चों को कुछ ये नूडल्स वगैरह ही खाएंगे अभी, खाना तो घर में जाके खाएंगे, देखते हैं जो भी होता है। तो दाँत में दर्द हो रहा है, यहाँ पे बस ऐसे ही शॉट लेने की कोशिश में कर रही थी, लेकिन वो ये नॉइज़ बहुत ज़्यादा था, तो यहाँ पे पानी का ग्लास भर गया है। और मैंने कहा चलो आपको दिखाती हूँ, अक्सर हम ऋषिकेश में मतलब यहीं पे बैठते हैं, ये बिल्कुल बीच में पड़ता है ना, तो यहीं पे बैठते होता है ना, एक मतलब वो होता है कि जहाँ हमेशा जाते हैं तो वहाँ थोड़ा मतलब अपना सा लगता है, और प्लस ये भी लगता है कि साफ़ सफ़ाई हर चीज़ देखना पड़ता है ना बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे तो ध्यान देते हैं नहीं। और तो बस यहाँ पे हनु ने ये एक माजा की बॉटल तो एक या दो कर दिए खाली, एक तो ऊपर से ही लेके आया था अपने साथ। और यहाँ पे आरावर में इधर बैठे हैं, तो बस आज ना आज का सफ़र अच्छा रहा, बिल्कुल भी हमें बिल्कुल भी तीनों में से किसी को। तो आ गए इनके नूडल्स, यम यम। और यहाँ पे सॉस भी है, चटनी भी है। भाभी ने ये अरवी के ना ये उबाल के दिए थे, अरवी के पत्तों के पथ्यूर बनते हैं ना, उसमें लाइट पोल में लाइट नहीं आई। और तो ये मैंने छोंक दिया अभी डिनर के लिए। तो अब मैं सीधे आपको नेक्स्ट ट्रे मिल रही हूँ, और आप देख रहे होंगे कि कितना फैला रखा है मैंने। तो जो ये सिर्फ मेरे कपड़े हैं, मतलब जो अलमारी के अंदर रहते हैं, डेली यूज़ वाले ही समझ लो, डेली यूज़ वाले ही है ये। और ये तो डेली यूज़ वाले मतलब लेगिंग सारी हैं और दुपट्टे सारे हैं, तो यही है, तो ये फैला दिया। तो सर्दियों का काम स्टार्ट हो गया है मेरा, समझ लीजिए, सॉरी, हाँ सर्दियों का ही काम है। वैसे बरसात के बाद भी जो भी काम आता है, कपड़े सुखाना वगैरह, तो ये काम मेरा स्टार्ट हो गया है। पता है इसमें ना ये अलमारी वैसी है ना, मतलब जो सीमेंट वाली होती हैं जो घर में होती है ना, तो इसमें बहुत बदबू आ रही थी, इसलिए मैंने सबसे पहले यही कपड़े डाले, क्योंकि सीलन इस बार बरसात ने तो बुरे हाल कर रहे थे। तो कल ना कोई भी ब्लॉग मैं बना नहीं पाई, क्योंकि बिल्कुल भी मतलब कंडीशन ऐसी नहीं थी, थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी, और फिर उसके बाद ना वही फिर मैंने ब्लॉग बनाया नहीं, तो आज मेरा कोई भी वीडियो नहीं गया है। तो चलो कोई नहीं, एक दिन रेस्ट सही। तो ये कपड़े मैं अंदर रख रही हूँ, और काफ़ी मतलब सुबह मैंने डाल दिए थे, तो काफ़ी धूप लग गई है इन्हें, तो काफ़ी मतलब बदबू तो बिल्कुल चली गई है, क्योंकि धूप में इतनी शक्ति होती है। तो सारे कपड़े मैंने अंदर रख दूँगी, लेकिन अभी समेटूँगी नहीं, क्योंकि अभी मेरा काम है, और नहाना धोना सब हो गया है मेरा, झाड़ू पोछा सब हो गया था सुबह घर, तो बस ये काम हो गया है, और इसके बाद बस वो ये अंदर रख दूँगी इन्हें।
तो यहाँ पे ये ट्राईपॉड पे फंस गया था, और वो ये फ्रिज ख़राब है तो टेबल भी बिखरा पड़ा है, किचन मेरा बिखरा पड़ा है, किचन बिखरा मतलब सामान इधर उधर हो रखा है। तो यहाँ पे कपड़े भी मेरे धुल गए थे तो कपड़े भी मैं डालने लगी हूँ। और क्या, हाँ ये बता रही थी ना मैं, कल का सफ़र अच्छा रहा बिल्कुल भी, तीनों में से किसी की तबीयत ख़राब नहीं हुई हमारे, तो मतलब अच्छा रहा सफ़र। गाड़ी भी अच्छी चलाई थी, भले आधा घंटा और लेट पहुँचे, बट वो ये कोई बात नहीं, लेट सही पर तबीयत तो सबकी सही रही, तो अच्छा लगा कल का सफ़र। बस ये है कि फिर ऋषिकेश में आधा घंटा रुके, मतलब वही बच्चों ने खाया पिया तो टाइम तो थोड़ा लग ही जाता है, तो मतलब सुबह 8 बजे के हम घर से निकले थे और 4 बजे हम घर पे पहुँचे, और जब अपनी गाड़ी में भाई की गाड़ी में गए थे तो फिर मतलब हम 5 बजे निकले थे, 11:30 बजे वहाँ पहुँच गए। तो इतना फ़र्क तो पड़ता है अपनी और गाड़ी से जाना और ऐसी मतलब प्राइवेट गाड़ी से जाना, तो चलो और पहुँच गए थे टाइम से ही, तो चलो सही है वैसे। और क्या बोल रही थी मैं, हाँ किचन का बोल रही थी मैं, तो किचन में ना पुताई वगैरह होनी है, कलर वगैरह होना है, तो इस वजह से मैंने सामान मतलब उसे मैं समेट रही हूँ कट्टों में, क्योंकि फिर एक साथ बर्डन ना पड़े, तो इसलिए अभी से स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, तो बज गए हैं 12, खाना मेरा बन गया है और कपड़ों का ढेर तो आपको पता ही हो। यहाँ देखिए ढेर कपड़ों का ढेर, अलमारी मैंने खुला रखी, अभी मैंने इसलिए नहीं रखा, वैसे मेरे पास टाइम भी नहीं है खैर अभी, और इसलिए नहीं रखा क्योंकि कपड़े तो बाहर डाल दिए, लेकिन अलमारी की बदबू कहाँ जाएगी मेरी समझ में नहीं आ, बिल्कुल मेरा मन नहीं कर रहा, मैं तो थैले में रख दूँगी, मैं नहीं रखूँगी, जो यूज़ करने वाले हैं उनको थोड़ा सा रखूँगी बाहर, और तो मैं पैक कर दूँगी, क्योंकि इतनी बदबू आ रही, जब तक इसकी बदबू नहीं जाएगी तब तक मैं रखूँगी नहीं इसमें, क्योंकि फ़ायदा कुछ नहीं है फिर सुखा के ना, तो इन्हें ऐसे ही पैक करके पॉलीथीन में रख दूँगी, जो जो जैसे चुन्नियाँ लेगिंग्स वगैरह बहुत है ना, तो अलग अलग पन्नी में रख दूँगी, फिर ये कि निकालूँगी, क्योंकि इतनी अभी भी स्मेल आ रही है इसके अंदर से, तो कपड़े तो नहीं रखूँगी मैं यहाँ, बस दो चार ये है कि यूज़ वाले रख दूँगी बाहर। और खाना मेरा बन गया, मसूर की दाल चावल बनाए, सिंपल से बनाए क्योंकि आज मेरा फास्ट है, तो प्याज वगैरह प्याज लहसुन कुछ नहीं डाला है, सिंपल से दाल चावल बनाए हैं, और बस वैसे मैंने कहा था कि मंडे के स्टार्ट कर दिए मैंने, जब तक मैं कर पाऊँगी तब तक, मतलब ये नहीं है कि कंटिन्यू करना है, छोड़ भी सकती हूँ, जैसे कभी कहीं जाना पड़े तो छोड़ दूँगी, और जो भी टाइम मतलब ऐसा आता है तो छोड़ दूँगी, तो ऐसा मैंने मंडे के व्रत स्टार्ट किए हैं कि थोड़ा मन की शांति के लिए, जैसा आपको पता ही मेरी लाइफ में चलता रहता है पता नहीं क्या क्या। और मेरे भाई ने ना मुझे ये दिया नॉन स्टिक पैन, उल्टा दिख रहा होगा ना, सन फ्लेम का है, और वैसे वो देता रहता है, उसे ना कंपनी वगैरह से मिलते हैं ना, तो ये है, उसमें एक ना एक सेलो का था, ये सन फ्लेम का था, ये नॉन ये है इंडक्शन बेस है ना, तो इसलिए मैंने ये लिया, उसने दोनों दिखाए थे तो मैंने ये लिया इंडक्शन, क्योंकि आपको पता है मैं इंडक्शन ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो अभी तो फ़िलहाल इंडक्शन ख़राब है, फ्रिज ख़राब है, एक और चीज़ कुछ ख़राब है पता नहीं क्या ख़राब है, फ्रिज भी ख़राब है ना, वो इसका फ्रीजर चेंज करना वो ही नहीं मिल रहा है, फ्रीजर नहीं तो फ्रिज तो सही हो जाता, बट वो ये, और ये टंगी है आरव की बास्केटबॉल, तो इन कपड़ों का काम तो अब आके ही करूँगी अब, क्योंकि हनु को लाने का टाइम होगा, फिर आरव को लाने का टाइम होगा, फिर ये कि एकदम गर्म कपड़े ना रखने भी नहीं चाहिए, तो देखती हूँ इन कपड़ों का क्या करती हूँ। और कल से ब्लॉग स्टार्ट हुआ है तो कल से मैंने कंटिन्यू नहीं किया, तो इसलिए यहीं पर ही वीडियो का एंड करती हूँ, ये सब कुछ आपको बाद में मिलेगा अगले नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए, तो चलो चलते हैं और ब्लॉग का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।